आज हम बनाने जा रहे हैं एक ट्रिक के साथ आलू की खस्ता कचौड़ी। ऐसी ही मजेदार रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए कुरकुरी आलू की कचौड़ी बनाना शुरू करते हैं। आलू की कचौड़ी बनाने के लिए ये मैंने गेहूं का 2 कप आटा लिया है। आटे में स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, 2 चम्मच इसमें घी मिक्स कर देंगे। घी की जगह ऑयल भी डाल सकते हैं। घी को आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। ये मैंने सॉफ्ट आटा लगा लिया है। अब इसे 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। तब तक कचौड़ी के लिए स्टफिंग बना लेंगे। कचौड़ी की स्टफिंग बनाने के लिए मैंने ये 5 उबले हुए आलू लिए हैं। अब इसमें कटी हुई हरी धनिया डाल देंगे, कटी हुई हरी मिर्च, सूखा धनिया पाउडर ऐड कर देंगे, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देंगे, गरम मसाला। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मैंने सभी चीज़ें मिक्स कर ली हैं, कचौड़ी फटे नहीं। इसके लिए हम इसमें 1 चम्मच भुना हुआ बेसन ऐड कर देंगे। इससे कचौड़ी बहुत टेस्टी बनेगी और सेकते समय फटेंगी भी नहीं। स्टफिंग बनकर तैयार है। अब इसकी हम छोटी छोटी गोलियाँ बना लेंगे इस तरह से। आटा को रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। थोड़ा सा मसल कर चिकना कर लेंगे और इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। ये मैंने लोई बनाकर तैयार कर ली है। अब इसमें स्टफिंग भर लेंगे और इसे इस तरह से बंद कर देंगे। सूखा आटा लगाकर इसे बेल लेंगे। अब इसे बेल लेंगे। ऐसी हम सारी कचौड़ियां स्टफिंग भरकर बेल लेंगे। हल्का सा ऐसे प्रेस कर देंगे, इससे अच्छे से आलू चारों तरफ फैल जाएं। अब इसे बेल देंगे। ऐसी हम सारी कचौड़ियां बेल कर तैयार कर लेंगे। ऑयल को मैंने मीडियम हॉट कर लिया है, फ्लेम मीडियम रखेंगे। अब इसमें कचौड़ियां सेक लेंगे। कचौड़ियाँ अच्छे से सेक गई हैं, अब इन्हें निकाल लेंगे। ऐसे ही हम दूसरा बैच सेक कर तैयार कर लेंगे। ये देखिए कुरकुरी खस्ता स्वादिष्ट कचौड़ी बनकर तैयार है। इन्हें आप
सब्जी के साथ, चाय के साथ या चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। कचौरी का वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय एंड टेक केयर।